अच्छा, बात हो रही है अल्लाह और बंदे के ताल्लुक की। एक मर्तबा मैं उन दिनों FM 103 किया करता था। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अल्लाह मियाँ भेजता है और चीज़ें होती हैं तो मैं FM 103 करता था। अब जैसे अब मैं मेरा FM करता हूँ तो 8 से 10 बजे का शो होता है रेडियो पे। उस ज़माने में मेरा शो होता था 10 से 12 बजे का। तो उस एक वक्त में आई थिंक 2000 राजा को याद होगा, 2011 या 12 की बात, 2011 या 12 की बात, 2010 की बात होगी। ठंड बहुत पड़ रही थी उस एक सर्दी के मौसम में ठंड बड़ी पड़ी थी। तो मैंने रात को 12 बजे शो ख़त्म किया। मैं रहता था नॉर्थ नाजाबाद आई ब्लॉक, आपकी तरफ ही रहता था मैं। तो हम निकले पूरे इशारा फैसल से, मैं निकल के मैं फिर वो जो जहाँ से वो ईसा नगर कब्रिस्तान है अंडर पास में, वहाँ निकला सीधा ताकि मैं हैदरी से टर्न कर लूँ और चला जाऊँ घर। तो मैंने ईसा नगरी का कब्रिस्तान क्रॉस किया तो मैंने देखा एक आदमी एक जगह ऐसे बैठा है, उसके पास इतना बड़ा सा छाबा है और उसमें ना वो गट्टे टाइप होते हैं वो पड़े हुए हैं। अब गट्टे वगैरह का कॉन्सेप्ट लाहौर में है, कराची में नहीं है। मैं हैरान हुआ कि 12:30 बजे ये कौन शख्स है जो यहाँ इस तरह से बैठा। खैर मैंने कोई बात नहीं की, मेरे दिल में अजीब सी बात आई, मैंने कहा नहीं रुकता, सर्दी है कौन रुके, मैं चला गया सीधा। मैंने जैसे हैदरी के लिए राइट टर्न लिया तो मेरी दिल नहीं माना, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सही नहीं है। मैंने वापस मुड़ी और मैं मेरी जेब में 5,000 रुपये पड़े थे उस वक्त, और मैं आया और मैं उसी जगह घूमा और मैंने राजा को पैसे दिए। मैंने कहा राजा ये जाके उसको दे दो, राजा ने वो पैसे दे दिए। अब हम चले गए वहाँ से। अब मैं बात भूल भाल गया, 3-4 दिन गुजरे होंगे, संडे का दिन आ गया। संडे के दिन किसी स्कूल के अंदर मुझे बुलाया गया था, तो मैं वहाँ से निकला हूँ 3:30 बजे के करीब। मैं वो AO क्लिनिक वाला चौक है ना जहाँ पर AO की घड़ी लगी हुई, मैं वहाँ पहुँचा। तो मेरे पास CL7 होती थी उन दोनों, तो एक आदमी ने मुझे ऐसे करके दस्तक दी, टक 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 मेरी गाड़ी के शीशे पे दस्तक दी। मैंने वो खोला तो मुझे कहता साहब भाई एक मिनट, मैं समझा कोई फ़ैन वगैरह है कोई, है ना, कहते एक बार गले लगाना है आपको। मैंने कहा ठीक है, मैं आया, मुझे उसने गले लगाया। कहने सर भाई पहचाना मुझे? मैंने कहा नहीं। कहले मैं वही आदमी हूँ जो बैठा हुआ था वहाँ और आपने मुझे 5,000 दिए थे। मैंने कहा आपको मैंने 5,000 रुपये दिए थे, तो इट्स ओके कोई बात नहीं। कहते नहीं भाई आपको पता नहीं है, उस दिन मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी, मुझे अपनी वालदा को अस्पताल लेके जाना था और उस दिन मेरी नीड 5,000 रुपये की थी। अल्लाह, अब आप बताइए इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे इस कलमे की कसम है, मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें कमाल मेरे रब का है, ऐसे ही है। इसमें मैं कौन हूँ? बिल्कुल ऐसे ही। मेरे अलावा कोई भी होता वो भी यही करता, क्योंकि मेरे रब ने उसे वो पैसे दिलवाने थे, उसकी ज़रूरत को पूरा करवाना था। हाँ लेकिन ये ज़रूर होता कि अगर मैं रोज़ क़यामत अपने रब के सामने खड़ा होता या जब भी खड़ा होऊंगा और वो मुझसे सवाल करते और ये कहते कि बंदे तू वहाँ से गुजरा था, तूने एक शख्स को देखा था, तेरे दिल में मैंने ये बात डाल दी थी कि यहाँ क्यों है इस अंधेरी रात में, तू फिर भी चला गया, तो वहाँ मैं क्या जवाब देता? तो और ऐसी तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। हाँ, हाँ। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स आया और रसूल तशरीफ़ फरमाए और उसने कहा कि जी मैं भूखा भी हूँ और मुझे वापस जाने के लिए, मुसाफिर हूँ, मुझे वापस जाने के लिए ज़्यादा राह नहीं है। अच्छा उस वक्त मौजूद में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि रसूल उससे हदिया कर देते या दे देते, तो उन्होंने किसी से कहा कि आप साहबी से कि आप ले जाइए। तो हजरत फातिमा के घर पे गए तो वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया, क्या बात है का सवाली बाबा ने भेजा है। अच्छा हजरत फातिमा ने रोटियाँ उठाई दी, उसने कहा नहीं मेरी और ज़्यादा नीड है। तो कोई और चीज़ नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने एक हार उठाया अपना जो उनके पास था वो उसे दे दिया। अल्लाह, अच्छा अब हार दिया तो वो लिया उसने और उसको बाजार ले जाके बेच दिया 200 दिरहम में, ताकि उसको खाना भी मिल जाए और मुसाफरत के लिए ज़्यादा राह भी मिल जाए। अब ऐसी सूरत में खैर वो गया, उसने अपनी ज़रूरत पूरी की, आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया। वहाँ अम्मार यासिर बैठे हुए थे और उनको हाल ही में माल मिला था माल गनीमत से, तो उसने कहा कि जी मेरा ऐसा ऐसा हुआ और मैं वहाँ गया और मुझे हार मिला और मैंने दे करके अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, बहुत शुक्रिया। तो हजरत अमार यासिर गए और जा करके उन्होंने वो हार खरीद लिया।
और ख़रीद के जो कुछ उनके पास माल था वो उन्होंने उधर दे दिया और उसके बाद वापस आए। तो फिर उस सूरत में वो शख्स वहाँ मौजूद था तो उन्होंने कहा कि यह हार शहज़ादी तक पहुँचा दें, यानी अपनी बेटी तक उनका लपेट के कपड़े में बाकायदा इज्जत से भिजवा रहे। तो उस वक्त उस शख्स ने एक जुमला कहा, अच्छा जब वो हार वहाँ पहुँचा तो उसके शुक्रिया उन्होंने अदा किया, तो जब शुक्रिया के दुआ दी, दुआ किसको दी? हमारे यासिर को। तो वो दुआ ले के आया तो हमारे यासिर ने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। वाह वाह, कि इतनी बड़ी तुम खबर लाए हो, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। तो वो शख्स जो बैठा हुआ था उसने एक जुमला कहा, इस हार के क्या कमाल आते, यानी खुदा एक नेकी, जैसे हम और आप कहते हैं ना, तो उसने कहा कि भूखे को खाना मिला, ज़ाते राह मिला, एक शख्स हार अपनी जगह वापस पहुंचा, सुभान अल्लाह, एक गुलाम आज़ाद हुआ, सुभान अल्लाह। तो मैं ये कहता हूं कि जी हाँ, ये नेकी कर जो जुमला कहते हैं ना कुएं में डाल, तो वो उसका बिल्कुल उल्टा माना लेते हैं। आप कुएं में या दरिया में डालेंगे ना नेकी करके, तो आपकी नेकी अमर हो जाती है। अब वो ज़िंदगी भर वो एक गिलास पानी अगर आप दरिया में डाल दें या समुंदर में डाल दें या कुएं में डाल दें तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा वो पानी। तो आपकी तो छोटी सी नेकी है ना, लेकिन उसके कमालात खुदा ने कहाँ तक रखे हैं, इसको ज़रा सोचा करें कि कहाँ तक पहुँचा। जो आप कह रहे हैं क्या, आपने तो देखा कि एक ज़रूरतमंद बैठा हुआ है, उसकी ज़रूरत है मैं दे दूँ, किसी का इलाज हो गया। अब इसके पीछे इस 5,000 भी कितनी चीज़ें सर्वाइव कर जाएंगे, हम इसको सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ तक ये पहुँच रही है इसके खैर उबर कर। तो ये कभी भी नहीं सोचा करेंगे मैं छोटी सी नेकी कर रहा हूँ, नहीं मैंने तो ये सिर्फ छोटी है, ये छोटी नहीं है, नहीं, ये बहुत बड़ी नेकी है। नहीं मैं कोई और, मैं थोड़ा सा इससे ज़रा डिफरेंट बात कर रहा हूँ। वो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो मेरा मेरे जहन में ख्याल कभी आया नहीं कि मेरी नेकी से क्या होगा, वो जो होगा वो अल्लाह मियां का, सोचना नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैं कुछ और बात कर, मैं सिर्फ एक बात से डरता हूँ और खौफ जो मेरे अंदर है वो सिर्फ एक बात का, सही कि जब मैं अल्लाह ताला के हुजूर जाऊँ तो मेरा ये जो बैग है ये खाली हो, खाली इसके अंदर कोई चीज ना हो, बाकी मेरे लिए हार में भी यही तो था ना कि बाबा ने भेजा है तो खाली कैसे जाए, बस मैं अपना बैग में से अपने हिस्से का उतार दूं, ये वही मुझे इस बात का यकीन है कि जन्नत भी उसकी, दोजख भी उसकी, फैसले भी उसके, बंदा भी उसका। तो जो उसका फैसला है मेरे लिए वो सही है, वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर। मुझे अभी सारिम भाई ने एक बात की, मैं बड़ी देर से उसका मज़ा ले रहा हूँ। अल्लाह क्या बात है, इन्होंने कहा ना कि वो बच्चा जो खड़ा था बाहर हाथ में जिसका खड़ा, वो सेठ के शॉपिंग मॉल के सेठ के दरवाजे पे खड़ा रहा, नेकी खड़ी थी, नेकी खड़ी थी उसके दरवाजे पर, वो उसकी बख्शिश का जरिया भी बन सकती थी, लेकिन वो किसी और के हिस्से में लिखी थी, वो नेकी कोई और लूट के ले गया। लेकिन ये जुमला के यार नेकी खड़ी रही, मुझे रसूल अल्लाह सल्लम की हदीस मुबारक याद आ रही है, उन्होंने फरमाया एक उम्मत पे मेरी वो वक्त भी आएगा कि बुराई हंसती भी आएगी और नेकी रोती भी चली जाएगी। वाह वाह, आज वही दौर है, बुराई आ रही है बड़े हंसते हुए, शौक से, ज़ौक से, और बड़े अब बुराई करके लोग फखरिया बता रहे हैं, लेकिन नेकी पड़ी भी है हमारे पास जगह जगह हमारे लिए। कितने ही इस वक्त तो और ज़्यादा हालात हैं कोविड के बाद से, कोविड के दौरान भी और अब भी कितने हालात खराब हो, हम तो इतने जबरदस्त चीते लोग हैं, तो अभी तो नेकी इतनी सरेआम है कि अगर इस कुर्रियार्स पर एक दो नहीं नेकी की बारात लगी हुई है, आप कितनी नेकियां उठाना चाहते हैं, कहां है नेकी पे बख्शिश है, कहां है आज हम लोग। देखें हम जहां हैं मैं आपको भी बता देता हूं, हम उधर ही हैं। कोविड में हमने फ्रॉड किया, उल्टी सीधी वैक्सीन लगाई, कारोबार किया, मास्क बेचे कितने महंगे कर करके, आप मास्क तो खैर, आप जो मेडिसिन लेते हैं, चलें कंपैरिजन कर लेते हैं, आज दिल से दिल की बात है ना, दिल से दिल की बात कर लेते हैं, एक दवा अमेरिकन है जिसे हम फरंगी कहते हैं, जिसे हम गालियां देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो गलीज लोग हैं, उनका कल्चर दुरुस्त नहीं है, लेकिन नौकरी भी हमें वहीं करनी है, पैसा भी हमें डॉलर में कमाना है, हम इस किस्म के लोग हैं। हमें शर्म नहीं आती अपने आप से झूठ बोलते हुए, शर्म नहीं आती हमें, शर्म नहीं आती बिल्कुल, गालियां देते हैं गज गज। आज वीजा करें आप, खोलें वीजा अमेरिका का,
और बोले कि जी मैं 1.5 लाख पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहा हूँ, आपको लगता है कोई रुकेगा? यहाँ पर एजिटेशन हो जाएंगे। आगे चले ना, आगे चले, मैं तो दिल आगे चले, देखें हम कौन है। एक तरफ अमरीकी दवा रखें बनी हुई, एक तरफ पाकिस्तानी दवा रखें, और एक आदमी जो मर रहा है जिसे ज़रूरत है उसी उन्हीं दवाओं की, बोलिए कि उठाए कौन से उठाएगा वो। बस ये हमारा किरदार, वो कौन सी दवा उठाएगा, वो अमरीकी दवा उठाएगा। और इस पे हैरत अंगेज बात बताऊं, हो सकता है अमरीका में वो दवा किसी पाकिस्तानी ने इजाद की हो, ऐसा ही, लेकिन पाकिस्तान में रह के हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते।